भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष अजय महावर जी और जैन साहब, साहब सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक यहां पर मंच में विराजमान, सभी निगम पार्षदगण, कार्यकर्ता मित्रों, ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मनोज जी ने बीड़ा उठाया है कि सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रहा, 32 लाख मतदाताओं का यह क्षेत्र रहा, 1993 में मिनिस्टर था, 18 अप्रैल 1998 को वजीराबाद पुल पर एक बस दुर्घटना हो गई, 28 लोग मर गए, 62 लोग घायल हो गए। साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनको लेकर अपने क्षेत्र का उन लोगों के घर गया जमुना बिहार में, जिसके माता पिता के बेटा बेटी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। रोते रोते बोले, तिवारी जी आप हमारे सांसद हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मेरा बेटा बेटी तो चला गया, भविष्य में ऐसी व्यवस्था कर जाओ किसी के बेटा बेटी भविष्य में किसी इदारे चला जाए। हम वहां कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और निर्णय लिया गया कि वजीराबाद पुल नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल का श्री गणेश अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं फूड एंड स्ट्रीम सप्लाई मिनिस्टर था, यमुना पार का नेतृत्व करता था, हमने उसको जोर देकर पास कराया। 98 हमारी सरकार चली गई, शीला दीक्षित आ गई, उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज इसका नाम दे दिया। इतने वर्षों में तो कई ब्रिज बन जाते और किसी की हत्या या मृत्यु नहीं होती, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज 300 करोड़ रुपए की योजना से शुरू होना था, आज 1400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, बहुत विलंब हो रहा है। यह हमारे और आपके बजट से जा रहा है, हमारे आपके फीने की कमाई से जा रहा है। समय आ गया है, एक सांसद गया तो क्या हुआ, दूसरा सांसद तो आ गया जिसका नाम मनोज तिवारी है। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। अल्टीमेटम तो वही देंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, समय का एक अल्टीमेटम देना चाहिए, इस तारीख तक अगर इसका उद्घाटन नहीं होगा तो आपको दिल्ली में निकलने नहीं दिया जाएगा, ये फैसला करना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए, मुझे भरोसा है 20 लाख लोगों की यह समस्या है, परेशानी है, हम मिलकर इसका संघर्ष करेंगे और हमें जरूर सफलता मिलेगी। थोड़े में ज्यादा बोलना ठीक है, जय भारत जय हिंद।